भाजपा के द्वारा आगामी चुनावों को लेकर तैयारियों का दौर जारी है, जिसके तहत जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक लेने जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेसियों को जमकर आड़े हाथों लिया। सीएम शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा को माफी यात्रा कहने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने जोरदार पलटवार किया। पलटवार करते हुए जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है, ये उम्मीद जरूर करते हैं कि सभी की आस्थाओं का सम्मान करें और नारियल जनेऊ का सम्मान करें। वहीं कमलनाथ द्वारा उज्जैन महाकाल को पत्र लिखे जाने पर मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि जिनसे किसी भी क्षेत्र के दौरे नहीं किए वो अब क्या करेंगे, यही करेंगे। साथ ही महिला अपराधों को लेकर मंत्री डॉक्टर मिश्रा का कहना है कि प्रदेश सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेती है, इसलिए प्रदेश सरकार ने ऐसे अपराधियों के लिए फांसी का प्रावधान किया है। मूल रूप से पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठकें हो रही और कार्यकर्ताओं से सारगर्भित चर्चा भी हो रही। सरकार की जो जनकल्याणकारी नीतियां हैं उनको जनता तक निश्चित समय में सही तरीके से पहुंचाने की जो निरंतर कोशिश पार्टी करती है उसी का एक पार्ट है ये। हमारी 14 साल की उपलब्धियां लाडली लक्ष्मी से लेकर आखिरी का बिल माफी तक का, 200 रुपया बिल तक का सरल बिजलीकृत योजना तक सारी योजनाएं आम जनता तक पहुंचे, उसके लिए ये बैठक थी। अब सिंधिया जी से क्या उम्मीद करेंगे अपन, वो ये तो कहेंगे नहीं कि हमारी यात्रा सफल है, और हम उम्मीद भी नहीं करते। इतनी जरूर प्रार्थना करेंगे भारतीय मूल्यों और मानकों का ध्यान रखें, ना नारियल फेंकें ना जनेऊ उतारें, सभी की आस्थाओं को खंडित न करें, उनका सम्मान करें। देखो मित्र, पत्र उन्होंने लिखा है, वो कांग्रेस पार्टी के बड़े और बुजुर्ग नेता हैं, बुजुर्ग व्यक्ति बार बार आ जा सक नहीं सकता कहीं, तो उन्होंने भगवान को भी पत्र के माध्यम से ही मनाने की कोशिश की है। बस ये ही दो फर्क हैं विचारों के। हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं जाते हैं, इनके संदेश जाते हैं, ये संदेश के माध्यम से ही प्रदेश की जनता के पास जा रहे हैं। ट्विटर और पेपर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पत्र लिखा है कि जब मध्य प्रदेश में कभी सूखा पड़ा, जब मध्य प्रदेश में कभी बाढ़ आई, जब मध्य प्रदेश में कभी भूकंप आया, जब मध्य प्रदेश में ओला पड़ा पाला पड़ा, ये कभी नहीं आए। ये सिर्फ चुनाव पे आते हैं, चुनाव पे भी वोट मांगने आते हैं, और वोट मांग के जो जाते हैं तो अगले चुनाव पर ही नजर आते हैं। देखिए बहुत गंभीर विषय है और ये एक मानसिकता है, इसको बदलने के लिए आपको, हमको और समाज को, सबको आना पड़ेगा। इतने करीबी रिश्तेदार कभी कभी निकलते हैं कि रिश्तों से विश्वास उठ जाता है, बहुत पीड़ादायक प्रसंग आ जाते हैं, मन द्रवित भी होता है, 5 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, अब इनको मानसिक विक्षिप्त ही कह सकते हैं।